Hello dear students my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 4th in class 4th EVS we were learning our 21st chapter the story of क्लोथ एंड वी हैव लर्न द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर इन पार्ट वन वी हैव सीन दैट क्लोथ्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड हाउ दिस क्लोथ इज एक्चुअली मेड वी हैव सीन दैट प्रोसेस प्यारे बच्चों हमने कक्षा चार के ई वी एस में हम हमारा इक्कीसवा अध्याय पढ़ रहे थे और उस सवें अध्याय के पहले भाग को हमने देख लिया था तो हम वहाँ कपड़ों के बारे में कपड़ों की कहानियों को जान रहे थे तो कपड़ा कैसे बनता है और कैसे हमें प्राप्त होता है ये चर्चा हमने पहले भाग में कर ली थी और आज हम इस अध्याय का दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं सी यू हैव टू डू वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल What इज दैट Let's सी

फटा हुआ कॉटन का कपड़ा लेना है ठीक है अब वो जो कॉटन का कपड़ा जो फटा हुआ कॉटन का कपड़ा आपको लेना है आपके घर में आता तो आपको मिल जाएगा घर में अगर नहीं मिलता है तो आप पड़ोस में से भी किसी की मदद ले सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ इट्स एजेस पुल थ्रेड आन सेपरेट इट आउट अब इस कटू फटे हुए कपड़े के किसी किनारे से आपको क्या करना है एक धागा खींच के निकालना है तो उस धागे को आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे क्योंकि कपड़ा फटा हुआ है तो आसानी से वो धागा खींच करके बाहर आ जाएगा होल्ड द रिमूव थ्रेड फ्रॉम बोथ एंड्स अब जो धागा आपने निकाला है उसको आपको दोनों किनारों से हाथ में अच्छे से पकड़ना है कीपिंग वन हैंड फिक्स रोटेट द थ्रेड थ्रू द अदर हैंड वॉट यू हैव टू डू डून यू आर जस्ट होल्डिंग दैट थ्रेड इन बोथ योर हैंड्स यू हैव टू कीप वन हैंड फिक्स एंड यू हैव टू रोटेट द थ्रेड फ्रॉम अदर एंड जब आपने वो धागा निकाल लिया है उस धागे को दोनों हाथ से पकड़ लिया है अब आपको एक हाथ को तो फिक्स रखना है उसको नहीं हिलाना है लेकिन दूसरी तरफ वाले हाथ को आपको मूव करना है खींचना है हिलाना है ना उसके बाद क्या होगा लीव द थ्रेड लूज एंड देन पुल इट उसके बाद एक बार फिर से आपको जो धागा है उसको ढीला छोड़ देना है फिर से खींच लेना है ढीला छोड़ना है फिर खींच लेना है कीप डूइंग इट टिल यू सी द सेपरेट कोड्स ऑफ द थ्रेड आपको ये कार्य कब तक करते रहना है जब तक उस थ्रेड के उस धागे के अलग अलग आपको टुकड़े नहीं दिखने लग जाए, ठीक है तो उस धागे की अलग अलग लड़ियाँ जब तक आपको ना दिखने लग जाए तब तक उस धागे को इसी प्रकार खींचना है फिर ढीला छोड़ना है फिर खींचना है फिर ढीला छोड़ना है सेपरेट आउट वन कॉर्ड ऑफ द थ्रेड फ्रॉम दिस अब आपको उस धागे से जो कई सारी लड़ियाँ निकली हैं उनमें से सिर्फ़ एक उस पतली लड़ी को बाहर निकालना है

थ्रेड इज मेड बाई स्पिनिंग ऑफ दीज फाइबर्स नाउ हाउ थ्रेड इज मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स यू नीड टू रिमेम्बर द्रेड इज मेड बाई स्पिन इन तंत्रों की कटाई के द्वारा ही धागा तैयार किया जाता है थ्रेड इज वुवेन टू मेक द फैब्रिक नाउ जो थ्रेड तैयार हुआ है आफ्टर स्पिनिंग दैट इज वूवेन टू मेक द फैब्रिक कपड़ा बनाने के लिए उस धागे की बुनाई की जाती है तो बच्चों जब तंतुओं की कटाई की जाती है तो क्या बनता है थ्रेड बनता है धागा बनता है और जब धागे की बुनाई की जाती है तब तो क्या बनता है फैब्रिक बनता है कपड़ा बनता है लुक एट योर फैब्रिक विद मैग्नीफाइंग लेंस नाउ यू कैन लुक एट एनी ऑफ द फैब्रिक यू आर हैविंग थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस आपको किसी भी फैब्रिक को जो भी आपके घर पर है उसको एक मैग्नीफाइंग लेंस से देखने है एक लेंस का उपयोग करना है द थ्रेड्स इन इट विल सो इफ यूजेंटल तो यहां आप जैसा देख रहे हैं ना कि वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन्स के फॉर्म में आपको यहां दिखाया गया है ऐसे जब आप किसी थ्रेड को लेंस की सहायता से देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ वर्टिकल लाइंस और कुछ हॉरिजेंटल न सी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड थ्रू लेंस तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको वहां पर चीजें नजर आती हैं तो ये क्या है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ थ्रेड नाउ यू कैन सी अ सिमिलर स्ट्रक्चर इन द व्हीव ऑफ़ योर चेयर और फाइबर कॉड अब ऐसी ही संरचना ऐसी आड़ी ऐसी खड़ी और आड़ी रेखाओं की संरचना आप और कहाँ देख सकते हैं आप किसी चेयर को कोई बुनी हुई चेयर को अगर आप देखते हैं जो प्लास्टिक के बुनाई वाली चेयर होती है उस चेयर पर आपको ये दिख सकती है या जो हमारे कपड़े की बनी खाट हुआ करती है अगर आपके घर पर वो खाट है तो उस खाट में भी आप इसी तरीके का स्ट्रक्चर देख सकते हैं नाउ वी वियर क्लोथ्स आफ्टर गेटिंग दम स्टिश एज पर आर रिक्वायरमेंट सो वी वियर क्लोथ्स एज पर आर रिक्वायरमेंट सो वी स्टिश दाम एंड वी वियर दाम एज पर आर रिक्वायरमेंट तो ये जो फैब्रिक होता है ये जो कपड़ा तैयार होता है इससे हम अपनी पसंद से सिलाई करते हैं और जिस भी रूप में हम उसे पहनना चाहते हैं शर्ट के रूप में पैंट के रूप में कुर्ते के रूप में फ्रॉक के रूप में उसे हम उसी रूप में सिलकर के पहन लेते हैं नाउ सी वी विल टॉक अबाउट वुलन क्लोथ्स नाउ अब हम किसकी बात करेंगे ऊनी वस्त्रों की बात करेंगे वुलन क्लोथ्स की बात करेंगे ऊनी वस्त्र आप भी पहनते ही होंगे सर्दी में हमें वही तो बचाते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट दैम कॉटन इज ओब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स तो so, बच्चों हमने देखा कि कॉटन जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है पौधों से प्राप्त होती है वी हैव सीन दैट अ कॉटन प्लांट जहाँ से कपास की खेती के द्वारा हमें कॉटन या रुई जो है वो प्राप्त होती है और उसी से कॉटन क्लोथ बनाए जाते हैं नाउ सिमिलरली फॉर वुलन क्लोथ्स वूल इज ऑबटेन्ड फ्रॉम शीप लेकिन जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके लिए जो ऊन है वो कहाँ से प्राप्त हो होता है वो प्राप्त होता है भेड़ों से इन आ वेस्टर्न राजस्थान शीप रियरिंग इज एन ऑक्युपेशन सो यू नीट टू रिम्बर दैट इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ राजस्थान दैट इज वेस्टर्न राजस्थान द शीप रेरिंग इज एन ऑक्युपेशन तो भेड़ों का पालन जो है वो हमारे पश्चिमी राजस्थान का एक मुख्य व्यवसाय है एक मुख्य क्या कार्य है हियर यू कैन सी द शीप्स आपने कभी ना कभी भेड़ें जरूर देखी होंगी तो दिखती है ना बहुत प्यारी प्यारी सी भेड़ें और इन भेड़ों से ही ऊन प्राप्त किया जाता है सो वी एक्चुअली ऑबटेन वूल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शीप्स ओनली नाउ वी विल टॉक अबाउट सिल्क क्लोथ्स तो एक दूसरे प्रकार के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं सिल्क के कपड़े या रेशम के कपड़े ये कपड़ों के बारे में भी कुछ देख लेते हैं सिल्क क्लोथ्स आर प्रिपेयर फ्रॉम सिल्क थ्रेड तो जो सिल्क का कपड़ा होता है वो सिल्क के धागे से ही बनाया जाता है यानी रेशम के धागे से ही बनाया जाता है सिल्क वॉम प्रिपेयर दिस थ्रेड फ्राम ए सलायाना कैसे बनता है ये सिल्क थ्रेड सो सिल्क वॉर्म इसके लिए काम करता है यानी रेशम का जो कीट है वो वास्तव में अपनी लार से क्या बना देता है ये रेशम का धागा बना देता है सो सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड और इसी कारण जो रेशम कीट होते हैं उनका पालन किया जाता है ये भी एक व्यवसाय है दिस वॉर्म ईट्स द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज सो दिस सिल्क फॉर्म एक्चुअली ईट्स द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ये जो सिल्क फॉर्म होता है रेशम का कीट होता है ये क्या खाता है ये शहतूत जो होता है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं शहतूत के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको खाता है और उन्हीं को खा करके अपने सलाइवा से अपने लार से सिल्क या रेशम का धागा बनाता है ठीक है सो हेयर यू कैन सी दीज क्लोज दीज आर सिल्क क्लोत् एंड दे आर जनरलीइट शाइनीइक दे लुक लाइक वेरी ग्रॉसी काइंड ऑफ ये आप सिल्क का कपड़ा देख रहे हैं रेशम का कपड़ा देख रहे हैं ये काफ़ी चमकदार नजर आता है आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ क्लोथ्स दे आर खादी क्लोथ्स तो अब हमने जैसा कि वुलन क्लोथ्स की बात करी सिल्क क्लोथ्स की बात करी अब हम बात कर रहे हैं खादी क्लोथ्स की यानी खादी के कपड़ों की क्लोथ मेड बाय स्पिनिंग एंड वी by hand is called handloom like khadi तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हाथ द्वारा कताई और बुनाई से बनाया जाता है मशीनों की सहायता नहीं ली जाती है तो ये मुख्यतः जो कार्य होता है वो हाथों के द्वारा होता है इसलिए इन्हें हैंडलूम कहा जाता है यानी हथकरघे द्वारा बने कपड़े कहा जाता है और खादी उसी का एक उदाहरण होता है गांधी जी लेड मोर एम्फेसिस ऑन वियरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ़ खादी तो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बल दिया किसके ऊपर खादी के बने कपड़े पहनने पर सो दैट एवरीबडी कुड गेट एम्प्लॉयमेंट नाउ गांधी जी कंसिडर देन पीपल विल वियर खादी दे विल ऑल्सो गेट एम्प्लॉयमेंट तो गांधी जी का मानना था कि लोग अगर खादी पहनने लगेंगे तो उन्हें यानि एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है रोजगार है वो आसानी से मिलने लगेगा इस्पेली इन रूरल एरियाज़ ही एम्फेसाइज दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी डन बाय पीपल बाय मेकिंग ऑफ खादी तो गांधी जी मानते थे कि हमारे ग्रामीण भारत में खादी का कार्य करके यानी खादी बना करके तो यानी स्वयं खादी तैयार करके आत्मरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं ना also on ऑन ji's बर्थडे दैट इज 2nd ऑफ अक्टूबर स्पेशल डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द प्राइस ऑफ द clothes मेड ऑफ खादी Because Gandhiji motivated people to wear khadi, so this thing is done even today. That on Gandhiji's birthday, which is on second of October, special discount is provided on khadi clothes. So, boys, Gandhiji on Gandhi ji's 2 October. पर हमारे देश में क्या किया जाता है खादी के कपड़ों की जो कीमत है उस पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है यानी उस कीमत पर एक तरीके का हम कहें कि ऑफर दिया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नाउ हेअर यू कैन सी सम ऑफ द फेमस खादी क्लोथ्स ये इस तरीके की जो जैकेट हैं ये खादी के कपड़े की ही बनी पाई जाती हैं और ऐसी जैकेट लोग पहनना काफ़ी पसंद करते हैं सो स्टूडेंट्स we talked about three different types of clothes we talked about woolen clothes silk clothes and khadi clothes so we will be continuing this story of clothes in our next part also for today this is all thank you for watching